हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे पढ़ाई के अंदर। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर कितनी अच्छी है, उसको बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो उसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के अंदर। अलग अलग टाइप की हमारी इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनिशिएट इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। कैसे हमारी बॉडी जो है वो एनकाउंटर करती है किसी पैथोजन से, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करती है, कौन कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। चार तरह के हमारे होते हैं, IgG, IgA, IgM और IgE। इसके साथ साथ अलग अलग कुछ कुछ रिस्पॉन्स होते हैं, बैरियर मेथड होते हैं, कुछ कुछ हमारे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और हमारा साइटोकाइनिन, इस सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और तो और हम बात करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में, कि वैक्सीन जो हमारे बचपन में लगती थी पोलियो वाली, जो मम्मी हमें लेके जाती थी पकड़कर, दूसरा जो हमें COVID-19 के टाइम पर सारे हमें टीके लगे, यहाँ पे दो दो बार, तीन तीन बार लगे किसी किसी को, तो उसके अंदर वैक्सीन में ऐसा चीज क्या होता है जो हमारी बॉडी में जाता है, वायरस से लड़ता है, इन्फेक्ट करता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है, तो उसके बारे में जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और एक बीमारी के बारे में जानेंगे आज हम, कि ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, खुद ही के सेल खुद ही को मारने क्यों लगते हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए विदाउट कोई डिले आज का अमेजिंग लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक इम्यूनिटी के साथ। क्या होता है इम्यूनिटी, उसके बारे में हम जानेंगे आज। ह्यूमन बॉडी हैज द एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन दैट डैमेज द टिश्यू और ऑर्गन। तो इम्यूनिटी के चक्कर में क्या होता है, हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन रिलीज ना कर सके, हमारे कोई बॉडी के ऑर्गन या टिश्यू को डैमेज ना कर सके, तो इसके कारण हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी एबिलिटी रहती है इसके अंदर सेंस करने की, कि अगर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुसता है हमारी बॉडी में कहीं से भी, तो उसको रेजिस्ट करेगी और उसको किल करने की जितना जल्दी हो सके वो कोशिश करेगी। ठीक है, कैसे कोशिश करेगी, कौन हेल्प करेगा उसको हम देखेंगे। एंड इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हमारे होस्ट से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर कितनी है, वही डिसाइड कौन करता है हमारा इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग है हमारा। ठीक है, जितना स्ट्रांग हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा उतनी स्ट्रांग हमारी इम्यूनिटी रहेगी। इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जितनी अच्छी इम्यूनिटी रहेगी, इतने हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो उतने हम हेल्दी दिखेंगे, हमें कोई डिजीज ज्यादा पहुंचा नहीं पाएगी नुकसान। तो क्या करेगी, जैसे ही बॉडी में हमारा कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, तो बॉडी अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो वही से उसको किल करके वापस भगा देगी, बॉडी में घुसने नहीं देगी, हमें इन्फेक्ट ही नहीं ज्यादा होने देगी। अगर गलती से ही बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म घुस भी गया, वायरस बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से फाइट करेगा। तो हमारी बॉडी जब उससे फाइट कर रही होती है तो हमें सिम्टम्स मिलते हैं, या फिर हमें हेडेक हो जाएगा, फीवर हो सकता है, चिल विथ फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, कुछ भी सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें दे सकती है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घुस गया तो हम उससे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब आ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में। ये हमारे दो सब्सटेंस होते हैं जो कि मेन रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने के लिए। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन आर सब्सटेंस व्हिच व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन जो होता है हमारी बॉडी में सब्सटेंस होता है जो कि इंट्रोड्यूस होता है कब हमारी बॉडी के अंदर, जब उसको स्टिम्युलेट करना होगा हमारा प्रोडक्शन एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडीज कब बनती है, जब हमारी बॉडी में किसी का एनकाउंटर, और एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड, फंजाई और अदर थिंग्स, हमारे जो भी पैथोजन रहते हैं, जब ये एनकाउंटर होंगे हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज बनेगी। कौन बनाएगा, एंटीजन बनाएगा। एंटीजन जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, बिल्कुल सरफेस पर प्रेजेंट होता है, कोई भी स्किन के हो गए, हमारा क्या कहते हैं एपिडर्मल स्किन हो गया, हमारे हैंड का हो गया, लेग का हो गया, हेयर का हो गया, आईज के पास का हो गया स्किन, कहीं भी हमारा प्रेजेंट होता है एंटीजन। एंटीजन के पास क्या होती है, हमारी रेजिस्ट करने की पावर होती है कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, अगर सबसे पहले आएगा तो उसी से एनकाउंटर होता है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा, तो वही उसको कूट काट के भेज देगा वापस। पर अगर एंटीजन, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन जो हमारा कंट्रोल करता है, अगर वो हमारा खराब रहा, मतलब ठीक तरह का हमारा इम्यून सिस्टम नहीं रहा, तो क्या कर सकता है, हमें वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी नेमेटोड या फंजाई हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे कर लेगी और हमारी बॉडी को, टिश्यू को क्या कर देगी, वहाँ पे डैमेज कर देगी और हम उससे बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं इम्यून सिस्टम को हमारा स्ट्रांग रखना चाहिए। एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, हमारा एंटीजन सर्फेस से प्रेजेंट होता है। एपिटोप प्रेजेंट ऑन द एंटीजन विच बाइंड विद द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। हमारे एंटीजन के पास होता है हमारा एक एपिटोप नाम का साइट, ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा एपिटोप और ये जाके बाइंड करता है हमारा एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग साइट पर हमारा एपिटोप क्या होता है, बाइंड करता है और ये बनाता है हमारे कॉम्प्लेक्स, एंटीजन बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एंटीबॉडी के अंदर पाया जाता है। वो क्या करेगा, वो हम आगे देखेंगे जब हमारा चेन पढ़ेंगे, हम एंटीबॉडी का चेन कैसे होता है हमारा H2L2 वाला फॉर्मूला से,
तो उसको मैं बना के दिखाऊंगा। वहां पे क्या करेगा, जो हमारा एपिटोड रहता है ना वहां जाके फिक्स हो जाता है, तो वहां पे क्या करेगा, जो भी कोई एनकाउंटर करेगा हमारे वायरस या हो गया बैक्टीरिया हो गया, तो उससे वो लड़ने में हमारा काम करेगा। कौन? हमारा यहाँ पे एंटीबॉडी फंक्शन जो यहाँ पे करेगा, समझ आई आपको बात। दूसरा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आर इम्यूनोग्लोबिन IGS प्रेजेंट इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीबॉडीज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स का मिलकर बना होता है। एंटीबॉडी हमारा कब रिलीज होता है, जब हमारा रिस्पॉन्स है हमारे एंटीजन प्रोटीन से। ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। इम्यूनोग्लोबिन मतलब क्या होता है, मतलब हमारे जो भी हमारे इम्यून सिस्टम में सेल पाए जाते हैं, सारे सारे मेन मेन जो होते हैं चार तरह के होते हैं हमारे एंटीबॉडी IgA IgM IgE IgG, ये होते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन चार तरह के। इसको आप गेम से याद कर सकते हैं, IgG IgA IgM IgE, ठीक है, गेम से याद कर सके ट्रिक से। तो जैसे ही हमारा एंटीजन की यहाँ पे एंट्री होगी तो क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा हमारे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट होता है हमारा बोन मैरो के अंदर बनता है, मैच्योरी वहीं पे होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट क्या होता है, बोन मैरो में बनता है पर मैच्योरी थाइमस में होता है, ठीक है, समझ आ गया आपको। इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं, ये हमारा बी लिम्फोसाइट होता है। तो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा हमारे एंटीबॉडीज के अंदर, एंटीजन एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन के टाइम में क्या निकाला, दो सेल्स निकाले, दो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट हमारा मैच्योर और हमारा बर्थ होता है इसका हमारे बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो में ही रहेगा वहीं पे मैच्योर होगा। पर जो टी लिम्फोसाइट होता है वहां पे सिर्फ वो बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, पर जो मैच्योरेशन होता है वो हमारे थाइमस में होता है, जो कि हमारी थॉर्न्स ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं उसे। उसी कारण क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम पूरा बैलेंस होता है। हमारा इम्यूनिटी कौन मेंटेन करता है, थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे हार्ट के पास पाया जाता है। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, बहुत बड़ा सा साइज रहता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है बचपन में। जैसे जैसे हमारी एज होती है, बड़े होते हैं हम, उसका साइज धीरे 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 रिड्यूस होने लगता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे एज के साथ क्या होती है, डिक्लाइन होने लगती है, ठीक है, समझ आई आपको बात। तो जैसे एंटीजन आएगा एक्टिवेट करेगा हमारे लिम्फोसाइट को, तो आपको कन्वर्ट कर देगा अपने आपको एंटीबॉडीज के अंदर। एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी, हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा एपिटोड के साथ हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट के ऊपर एंटीबॉडी के। तो यहाँ पे क्या करेगा, चार यहाँ पे क्या करेगा, सेल्स को बनाएगा हमारे एंटीबॉडी IgG IgA IgM और IgE। ये चारों टाइप हमारे क्या करेंगे, एंटीबॉडी रेजिस्ट करेंगे, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है तो उसे किस तरीके से हमें भगाना है हमारे बॉडी से बाहर। ये चारों के फंक्शन हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड के ऊपर, देखते हैं हमारे क्या क्या काम करते हैं हमारे चारों एंटीबॉडी। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। फर्स्ट हमारा होता है IgA इम्यूनोग्लोबिन जी टाइप का एंटीबॉडी। क्या करता है ये, मोस्ट अबंडेंट अबाउट 75% ऑफ एंटीबॉडी क्रॉस द प्लासेंटा टू एंटर इनटू फीटस फॉर प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारे टोटल एंटीबॉडी का 75% अबंडेंट मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है, हमारे कौन सा IgG वाला एंटीबॉडी के अंदर, क्लियर। क्रॉस द प्लासेंटा टू एंटर इनटू द फीटस बॉडी प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये हमारा क्या करता है, प्लासेंटा को क्रॉस करके जो हमारा फीटस होता है वॉर्म के अंदर, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो फीटस ग्रो हो रहा है हमारे वुमन के वॉर्म के अंदर, तो वो उसको क्या कर सके, कोई आप कोई वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई अदर पैथोजन हो गया, उसे नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि उसकी कोई तबीयत खराब ना हो सके और उसका ग्रोथ है हमारा एम्ब्रियोलिक ग्रोथ वो हमारा बराबर से हो सके। तो वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी हमारे प्रोवाइड करता है नेचुरली, किससे हमारे बनती है, हमारी मदर की बॉडी से बनती है। पैसिव का मतलब होता है पहले से बनाई गई एंटीबॉडी, मतलब क्या होती है, पैसिव मतलब रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, मतलब पहले से बन जाती है, सिर्फ फीटस आता है वॉर्म के अंदर तो उस टाइम क्या होती है, एंटीबॉडी उसके अंदर एंटर करने लगती है, ताकि किसी बाहरी पैथोजन से उसे नुकसान न पहुंचा सके, उसका एम्ब्रियोनल ग्रोथ जो है बराबर से हो सके, हमारा पूरा पैट्रेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो सके। सेकेंड आता है हमारा IgA एंटीबॉडी, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी कंस्टिट्यूट 10% प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉल सलाइवा टीयर एक्सेट्रा। ये हमारा सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है हमारा प्रोटीन है हमारा एंटीबॉडी IgA, जो कि 10% होता है हमारे पूरे एंटीबॉडीज में से। 75% क्या हो गया IgG बन गया, 10% क्या हो गया IgA बन गया, जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल सलाइवा और टीयर में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या होता है, जो इनिशियल फ्यू डेज होते हैं प्रेगनेंसी एंड होने के बाद, तो उस टाइम क्या होता है लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है मदर का, तो उस टाइम जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर बहुत सारे सेवरल टाइप की एंटीबॉडीज पाई जाती है, उसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होता, तो जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या होती है बहुत सारी एंटीबॉडीज जो बेबी को फीड कराती है मदर, उसके क्या करती है, कोई उसको बीमारी ना हो सके, कोई पैथोजेनिक वायरस तो इंट्रैक्ट ना कर सके, उसको बीमार ना कर सके, तो उस टाइम क्या होती है कोलेस्ट्रॉल उसको क्या करती है एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है उनकी बॉडी के अंदर। और तो और सलाइवा टीयर के अंदर भी हमारी एंटीबॉडी पाई जाती है, कौन सी IgA, याद रखिएगा बात को। तीसरी IgM एंटीबॉडी, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी IgM, ये हमारी लार्जेस्ट साइज से क्या होती है हमारी एंटीबॉडी होती है। मोस्ट अबंडेंट हो गया, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट हो गया, ये हमारे नंबर में ज्यादा होती है, ये हमारे साइज में ज्यादा बड़ी होती है, लार्जेस्ट है ना, तो साइज में सबसे बड़ी कौन सी होती है IgM एंटीबॉडी। प्रोटेक्ट ब्लड इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटर बैरियर, जो हमारा IgM
एंटीबॉडी होता है, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए सिर्फ हमारे ब्लड को क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। ये हमारे प्लासेंटा बैरियर को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, सिर्फ हमारे ब्लड को ही क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है पूरी बॉडी के। चौथा होता है हमारा IgE एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी एक्टिवेट ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। जैसे आप कोई गलती कोई डस्ट वाले कमरे में जाते हैं, फिर बहुत पुराना कमरा है, फिर बहुत पुराना सामान है, तो जैसे उसको खोलते हैं या फिर उस जगह पे जाते हैं, आपको अचानक छींक आने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, टीयर्स आने लगते हैं, क्योंकि आंखों के अंदर क्या होता है, हमारा कोई पैथोजन घुस जाता है अचानक से, तो टीयर्स क्या करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से काम करते हैं, इसलिए टीयर प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जल्द से जल्द क्या हो, जो पैथोजन लगा है हमारी आंखों के ऊपर वो बाहर निकल जाए। और तो हमें छींक आने लगती है, जैसे अगर पैथोजन हमारे नाक के जरिए हमारे बॉडी में घुस गया है, तो उससे क्या होगा, हमें छींक आएगी, तो उससे क्या होगा, पैथोजन जो है फॉरन ऑर्गेनिज्म बाहर निकल जाएगा। हाइपर सेंसिटिव टाइप का फर्स्ट हमारा क्या होता है, एंटीबॉडी, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एलर्जिक रिएक्शन के लिए। अगर एलर्जिक रिएक्शन हमारी कोई जगह पे जाने से होती, मतलब वो जगह से हमें क्या है, एलर्जी है, उस थिंग से हमें एलर्जी है, तो बॉडी हमें सिम्टम साइन देती है कि हमें एलर्जिक रिएक्शन, मतलब कि रेडनेस हो जाएगा या फिर रेड जगह हो जाएगी पूरी, वो हॉटनेस फील होगा, खुजली हो जाएगी, या फिर स्नीज होगी, टीयरिंग आइज होगी, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं हमारे एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। उसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। स्टडी अबाउट इम्यूनिटी कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या कहते हैं, हम जो स्टडी करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, हमारे साइंटिस्ट उनको हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर। दो टाइप की क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी होती है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा इनिनेट इम्यूनिटी और सेकंड आ जाएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं और डिटेल के अंदर अगले स्लाइड के ऊपर। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप का इम्यूनिटी का टाइप हमारा क्या होता है, इनिनेट इम्यूनिटी। क्या होता है ये, इनिनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये हमारा होता है नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये नॉन स्पेसिफिक होता है हमारा टाइप का डिफेंस, ठीक है, एट टाइम ऑफ प्रेजेंट इन अवर बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ से क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, और टिल द डेथ, जब हम मरेंगे तब तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है पूरा लाइफ टाइम। इसके अंदर आते हैं हमारे अलग अलग टाइप के बैरियर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनिज्म और एजेंट इन अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, पैथोजन या फिर फॉरेन एजेंट घुसता है हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके से हो, तो क्या करेगी, इसको चार बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। ये चारों बैरियर इतने हमारे पावरफुल होते हैं, इतने प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, ताकि अगर इससे कोई निकल के चला भी गया तो वो आगे जाके दूसरे वाले बैरियर से क्या होगा, मार खा के चले जाएगा, वहीं पर किल कर देंगे उसको। तो इनेट इम्यूनिटी इज कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप ऑफ बैरियर, हमारे चार टाइप के बैरियर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट करता है इनेट इम्यूनिटी के अंदर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और आता है हमारा साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है, स्किन इन अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का कौन, स्किन, ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, स्किन सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा मेन बैरियर होता है हमारे यहाँ पर फिजिकल वाला, जो कि प्रिवेंट करता है हमारा किसी भी एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी बॉडी में एनकाउंटर करने से पहले। अगर स्किन पे ही वो आएगा तो स्किन ही उसको क्या कर देगी, बाहर डिफेंस करके भगा देगी। ये होता है फर्स्ट हमारा फिजिकल बैरियर का टाइप। दूसरा आता है हमारा म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यूरोजेनाइटल ट्रैक ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री ऑफ अवर बॉडी। अगर हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन एजेंट क्या करता है, अगर स्किन से पास हो जाता है हमारा मेन बैरियर से, जो हमारा स्किन रहता है ना मेन बैरियर, उससे अगर वो पास होकर अगले स्टेज में चले जाता है अगले बैरियर की तरफ, तो क्या करेगा, उसको म्यूकस कोटिंग में क्या करेगा, एपिथेलियम फंसा लेगा और वहीं पे किल करके उसको भगा देगा या फिर मार देगा। तो जो हमारे अगर स्किन से अगर वो अंदर चला गया हमारी बॉडी के, तो यहाँ पे होती है हमारी म्यूकस कोटिंग, जो कि फिजिकल बैरियर का टाइप है सेकंड वाला। रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गया, तो ये क्या करते, सारे सारे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म एजेंट आएगा तो उसको ट्रैक कर लेगा और एंट्री नहीं होने देगा हमारी बॉडी के अंदर, वहीं पे उसको किल करके भगा देगा, पूरा म्यूकस का कोट कर देगा। फिर हमारे कुछ भी यहाँ पे लिम्फोसाइट आएंगे, एंटीबॉडीज आएगी, वहां क्या करेंगे, किल करके उसको वहीं पे मार देंगे और भगा देंगे हमारी बॉडी से किल करके, ठीक है। तो ये दोनों आते हैं हमारे टाइप कौन कौन से, हमारे फिजिकल बैरियर के अंदर। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, मेन बैरियर स्किन आएगा, दूसरा हमारा क्या आएगा, म्यूकस कोटिंग और एपिथेलियम सेल्स आएगा, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आएगा, यूरोजेनाइटल ट्रैक में आएगा। समझ आया आपको बात, फिजिकल बैरियर। दूसरा हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में, एसिड इन द स्टमक। अब मान लीजिए म्यूकस कोटिंग से ही बच के आगे निकल गया और अंदर चला गया हमारी बॉडी के, तो स्टमक से इसको एनकाउंटर करना पड़ेगा। अब तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्टमक के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन होगा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना खतरनाक एसिड पाया जाता है हमारे स्टमक के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, वहां पे ग्रोथ कर ही नहीं सकता, वो उसको पूरा जला के मार देगा। क्लियर। HCl नाम का केमिकल होता है इसके अंदर, HCl नाम का हमारा क्या होता है, एसिड होता है स्टमक के अंदर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन एजेंट, पैथोजन, सबको किल कर देता है। दूसरा टीयर्स फ्रॉम आईज,
हमारे आईज में क्या होता है, टीयर्स होता है, टीयर ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फॉरेन एजेंट हो गया, जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं वहां पे हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ, कोई भी ग्रोथ करने नहीं देंगे आगे। हमारे एजेंट अंदर भी आ गया टीयर के जरिए हमारे आईज के अंदर, तो वहां पे भी उसको कहते हैं आंसू के जरिए क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे हमारी बॉडी, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करेंगे और किल करने की कोशिश करेंगे। सलाइवा इन द माउथ, अब हमारे माउथ के जरिए, अगर आपने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि हमारा क्या होता है, निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, बाहर खाना खराब खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी में पैथोजन घुस जाता है, तो अगर वो पैथोजन अगर रजिस्ट करेगा हमारे सलाइवा की फूड के ऊपर क्या है पैथोजन है, सो वही किल करने की जितना हो सके कोशिश करेगा। अगर वो फेल होगा तो क्या होगा, हमारा स्टमक के पास जाएगा, स्टमक में एसिड उसे किल करने की कोशिश करेगा। अगर ये भी किल करने की कोशिश नहीं करता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सिम्टम्स देगी हमारी बॉडी साइनस सिस्टम कि हमारी बॉडी में कुछ रजिस्ट हुआ हमारा फॉरेन ऑर्गेनिज्म, तो आप एक काम कीजिए साइनस सिम्टम हमारी बॉडी को देते हैं ताकि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे अपने कहते कुछ एंटीबॉडीज दे या क्योंकि इंजेक्शन या फिर दवाइयाँ दे तो उससे वो पेशेंट क्या हो सके ठीक हो सके। तो ऐसा पूरा प्रोसेस चलता है हमारे मेडिकल के अंदर, क्लियर। ऑल प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ये क्या करते हैं तीनों के तीनों हमारे क्या करेंगे, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ यहाँ पे नहीं होने देते हमारे बॉडी के अंदर। एसिड क्या करेगा, स्टमक में प्रेजेंट होगा, टीयर्स निकलेंगे हमारे आईज से और सलाइवा रहेगा हमारे माउथ में, जो कि प्रिवेंट करता है तीनों के तीनों हमारे कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर। ये होता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल फिजियोलॉजिकल अलग अलग होता है याद रखिएगा। तीसरा आता है हमारा सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट WBC ऑफ अवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स PMNL, neutrophil and monocyte and natural killer type of lymphocyte in our blood as well as macrophages in tissue can destroy microbes। नाम से पता चल रहा है आपको सेलुलर बैरियर मतलब क्या होता है, सेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारे जितने हमें WBCs रहेंगे उसके अंदर लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, RBCs रहेंगे, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये क्या करें हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी में बात करते हैं। मैंने पढ़ाया आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं हमारे कौन मेन, हमारे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, हमें फेगोसाइट कर लेंगे और खराब करने के हमारे बॉडी को बचाएंगे, किल कर लेंगे वहीं पे। अगर मोनोसाइट क्या रहता है, बहुत बड़ा साइज का रहता है, तो वो क्या करेगा खा जाता है, फेगोसाइटिक होता है हमारा नेचर का। और न्यूट्रोफिल क्या करता है, हमारा रक्षा करता है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है हमारे बॉडी का, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा हमारी बॉडी के अंदर उसको किल करेगा सबसे पहले। दूसरा अगर इनसे बचा तो हमारा WBCs का एनकाउंटर करेगा, उसमें होता है हमारे लिम्फोसाइट बी और टी, वो क्या करेंगे वही फाइट करेंगे हमारे ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से, और हम बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या एजेंट से। आई होप कि आपको ये तीनों बैरियर हमारे समझ आए होंगे, फिजिकल फिजियोलॉजिकल और सेलुलर। चौथा हमारा बैरियर आता है साइटोकाइन बैरियर, उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक सेशन में बहुत मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ ताकि उन्हें पता चले कि इम्यूनिटी हमें कितनी स्ट्रांग रहती है और कैसे हमारी बॉडी क्या करती है डिफेंस करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म से या कोई फॉरेन एजेंट से। और तो और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, पढ़ते हैं हमारा साइटोकाइन बैरियर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप के साइटोकाइन बैरियर के बारे में, जो कि आता है हमारा इनेट इम्यूनिटी के अंदर। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वायरस क्या करेगा, कोई भी हमारे पैथोजन आएगा, वायरस हो गया होगा, बैक्टीरिया हो गया, तो वो क्या करेगा हमारे बॉडी किसी भी सेल को इन्फेक्ट करेगा, समझ आई बात। तो वायरस क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा कोई बॉडी के हमारे सेल को, समझ लीजिए हमारा एपिडर्मल टिश्यू को इन्फेक्ट करा हमारे हेयर के पास का, तो क्या करेगा जो हमारा इन्फेक्टेड एपिडर्मल टिश्यू इसको वायरस ने इन्फेक्ट किया है, वो क्या करेगा अपने मरने से पहले क्या करेगा आजू बाजू सराउंडिंग जो सेल है उनके ऊपर इंटरफेरॉन की लेयर डाल देगा, ताकि अगर मैं मर रहा हूँ भाई तुम लोग तो बच जाओ, तुम्हारे पे तो कवच लगा दिए मैंने, तो जो इन्फेक्ट किया है वायरस उस सेल को वो बाकी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, बाकी सेल्स क्या करेंगे एक्टिवली हो जाएंगे नेचर में और वो क्या करेंगे इसी वायरस को कूट के बॉडी से भगा देंगे या फिर वही में मार देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये काम होता है हमारे साइटोकाइन बैरियर का। आई होप कि आपको इनिशिएट इम्यूनिटी के सारे सारे बैरियर समझ आए होंगे। दूसरा आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि सेकंड टाइप आता है हमारा इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ पैथोजेनिक स्पेसिफिक, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है। अगर वो COVID-19 के लिए बनी हुई एंटीबॉडीज है तो COVID-19 के ऊपर ही काम करेगी, पोलियो वायरस के ऊपर काम नहीं करेगी। जैसे हमारा इनेट इम्यूनिटी था वो कब हमारा बनता था, पूरा बॉडी के स्पेसिफिक था, नॉन स्पेसिफिक सारे ऑर्गेनिज्म के जो भी हमारा पैथोजन रहता था, वायरस, बैक्टीरिया, नेमेटोड, फंजाई, कुछ भी रहता था उसके ऊपर एक्ट करता था। पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हमारा सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करेगा कोई पैथोजन के ऊपर। अगर वायरस के लिए बना तो वायरस पे ही काम करेगा, COVID-19 के लिए बना तो COVID-19 पे ही काम करेगा, राइनो वायरस से वो काम नहीं करेगा। तो ये होता है हमारा स्पेसिफिक, हमारा स्पेसिफिक एकदम। तो ये होता है हमारा नेचर, हमारा स्पेसिफिक एकदम होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। दूसरा, इट इज कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, ये हमारे मेमोरी के बेसिस के ऊपर काम करता है। मतलब कि समझ लीजिए हमारे COVID-19 में क्या हो गया, वायरस हमारे बॉडी में घुस गया है, हमारी बॉडी क्या करेगा इन्फेक्ट करेगा, खराब करेगा नेचर को, हमारी बॉडी के सेल्स को। तो जब फर्स्ट टाइम वो आएगा तो क्या करेगा, हमारी बॉडी उससे लड़ नहीं पाएगी। क्यों, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनी है, हमें पता ही नहीं उसे लड़ना कैसे,
वे क्वेश्चन का पेपर आंसर देने जा रहा है, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन में आने क्या वाला है, पेपर में आने क्या वाला है, सिलेबस आपने पढ़ा ही नहीं है, तो चैप्टर क्या पढ़ के जाओगे, वहां पर क्वेश्चन का सॉल्व करोगे। तो बॉडी भी सेम हमारी ऐसी रिस्पॉन्स करती है। अगर फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में कोई एनकाउंटर करता है पैथोजन, उसको पता ही नहीं है क्या करना है इसके साथ, भैया कौन कौन सा हथियार लेकर आ रहा है हमको मारने के लिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करेगा, हमारी बॉडी उसे लड़ नहीं पाएगी ठीक तरीके से और प्राइमरी रिस्पॉन्स देके उसको छोड़ देगी, मतलब कि जो हमारा वो रहेगा पैथोजन वो उसको इन्फेक्ट कर देगा बॉडी को, उससे क्या हमारी बॉडी साइन एंड सिम्टम्स देगी, उससे पहले बॉडी जितना हो सके उसको भगाने की कोशिश करेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी। पर अगर पैथोजन रहेगा फर्स्ट टाइम आएगा तो बॉडी उतना रिस्पॉन्स कर नहीं पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। दिस मीन्स अवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज लो इंटेंसिटी। हमारी जो बॉडी की फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा वो प्राइमरी रिस्पॉन्स रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा लो इंटेंसिटी रहेगा, मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, तुरंत भगा नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या है वो वायरस के अंदर, कैसे आपको जेनेटिक मटेरियल है, कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑर्गन्स को। तो उस टाइम पे बॉडी रिस्पॉन्स करती है हमारे कुछ कुछ सिम्टम्स को, हेडेक, चिल विद फीवर, और हमारा कुछ और हो जाएगा, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो सकता है। तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि भैया इसके परिवार को बताओ, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, कि ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो मैं खुद भी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही क्योंकि पता ही नहीं कौन सी एंटीबॉडी है। सेकंड टाइम पे जब वो सेम वायरस कोविड 19 हमारे बॉडी में आएगा तो क्या होगा उसको देखते हैं हम। एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिकुलेट अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स अवर बॉडी हैव। समझ लिया, डॉक्टर के पास गए थे प्राइमरी रिस्पॉन्स के बाद, तो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया काम कीजिए वैक्सीनेशन करा लीजिए कोविड 19 का, तो उसमें क्या बन गया, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो गई वहां पे कोविड 19 की तरफ, कि अब भैया तो कोविड 19 आएगा तो मैं इससे ऐसे लड़ने वाला हूँ, मतलब प्रिपेयर कर लेगा अपने आप को। पहले तो पता नहीं था, निहत्ता गया था कोविड 19 के सामने, कुट काट के वापस आ गया, कोविड 19 भगा दिया उसको, तो कोविड 19 वहां पे जीत गया, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हार गया फर्स्ट रिस्पॉन्स में। सेकंड टाइम पे क्या होगा, जब सेम कोविड 19 का वायरस हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करने के लिए आएगा, पैथोजन आएगा वायरल इन्फेक्शन वाला कोविड 19 का, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे एनकाउंटर करेगी, वो भी क्या करेगी, हाईली इंटेंसिफाइड वेलोसिटी के साथ, मतलब कि एकदम जितना जी जान हो सके कोविड 19 को हमारी बॉडी से भगाने की कोशिश करेगी, कि बेटा अब बढ़ता तो डबल से आया मेरे पास मेरी बॉडी के अंदर, अब मैं देखो बताता हूँ कोविड 19 को कैसे भगाना है, अब तुमको सब पता चल गया मेरे पास एंटीबॉडीज भी है, तू आएगा देखो बाहर से भगवा दूंगा दरवाजे से, घुसने नहीं दूंगा घर के अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ज्यादा हाईली इंटेंसिफाइड होता है और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है हमारा सेकेंड वाला। प्राइमरी थोड़ा कम होता है, क्यों, कि फर्स्ट टाइम एनकाउंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन, सेकेंड वाला क्या करता है हमारा बहुत हाईली इंटेंसिफाइड होता है, मतलब जैसे ही पैथोजन आएगा तुरंत रिस्पॉन्स होकर एंटीबॉडी बना के उसको भिगा देगा बॉडी से बाहर, ठीक है। उसके बाद द प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन अवर बॉडी, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए, कैरिड आउट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के लिम्फोसाइट आते हैं, एक आएगा हमारा बी लिम्फोसाइट, दूसरा आएगा हमारा टी लिम्फोसाइट। इन सब के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और अच्छे से हम जानते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बात करते हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, द प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट क्या होता है, हमारा आर्मी प्रोटीन होता है, जो कि रिस्पॉन्स करते कोई भी हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, बॉडी में कोई नया पैथोजन एनकाउंटर हो गया, तो उससे क्या करता है, यहाँ पे फाइट करेगा और जितना जल्दी हो सके हमारी बॉडी से उसको भगाने की कोशिश करेगा एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके, कि एंटीबॉडीज बनेगी वो उससे फाइट करेगी और उसको बॉडी से किल करने की भगाने की कोशिश करेगी। तो ये होता है हमारा बी लिम्फोसाइट का काम। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, दैट टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। टी लिम्फोसाइट हमारा कोई भी एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करता है, पर बट हेल्प द बी लिम्फोसाइट हेल्प टू प्रोड्यूस देम। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है हमारा कौन, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम क्या रहेगा, हमारा प्रोड्यूस करता है आर्मी प्रोटीन के रूप में कोई भी ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में अगर आ गया तो उससे रिस्पॉन्स करने में, उससे फाइट करने में एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, हमारा कोई भी यहाँ पर सिक्रेटिंग करता है एंटीबॉडी, पर ये हेल्प करता है हमारी बी लिम्फोसाइट की, हमारे इनको बनाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की। ये हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो कैसे बना होता है उसको हम देखते हैं डेफिनेशन की वजह से। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज फोर पेप्टाइड चेन जॉइन बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, याद रखेगा कि जो हमारे एंटीबॉडी बनी होती है, जो हमारी चार पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है, दो होते हैं हमारे हैवी चेन जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर होता है वाई शेप स्ट्रक्चर हमारा। ये देख सकते हैं ये बड़ी सी जो हमारी चेन बनी हुई यहाँ पे बीच में, वो होती है हमारी हैवी चेन जो कि दो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। दो होती है हमारी लाइट चेन जो कि आधी आधी दिख रही है आपको बाहर साइड में, ये होती है हमारी दो लाइट चेन और बीच में जो होती है वो हमारी हैवी चेन होती है। ये चारों के चारों मिलकर बनाते हैं हमारी चार पेप्टाइड बॉन्ड
जो कि जुड़े होते हैं साथ में हमारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस के वजह से। डाइसल्फाइड ब्रिज से क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा बात को। तो टू स्मॉल कौन से थे जो छोटी छोटी होती है हमारी, वो हो जाएगी हमारी लाइट वाली चेन। दो लॉन्गर चेन होती है हमारी, टू लॉन्गर चेन इज कॉल्ड एज हैवी चेन। समझ आए आपको यहां तक बात। हेंस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स एज H2L2। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि H2L2 इसको हम फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। दो हमारी होती है हैवी चेन, इसको हम कहते हैं H2। लाइट चेन होती है दो, इसलिए हम कहेंगे L2। H2L2 से हिसाब से हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को। इस वाई शेप स्ट्रक्चर वो क्यों दिखता है, क्योंकि उसके अंदर दो हमारे क्या होते हैं, हैवी चेन मौजूद होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन बोथ साइड। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के दोनों तरफ क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट चेन और हैवी चेन में, यहाँ पे भी लाइट चेन हैवी चेन में हमारे क्या बना है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बना है। मैंने आपको एपिटोप के बारे में बताया था, उसका जो कोन होता है ना एपिटोप का, वो जाके इसमें फिक्स हो जाता है और हमारा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाता है। रिस्पॉन्स जैसे ही करेगा हमारा बी और टी लिम्फोसाइट की, कौन सा पैथोजन आया है उस हिसाब से क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी अपने आपको परफॉर्म करती है वहां पे, रिस्पॉन्स करती है किसके खिलाफ, हमारे जो भी पैथोजन आता है हमारा, बैक्टीरिया वायरस नेमेटोड फंजाई, उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर अपने आपको रिफ्रेम करेगा और उससे लड़ाई करेगा, फाइट करेगा और हमारी बॉडीज को भगाने की कोशिश करेगा या फिर उसको वहीं पे किल करने की कोशिश करेगा, ताकि हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ये वायरल रहेगा तो क्या करेगा, तो हमारा सेल क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड है हमारा, वो आजू बाजू के जो सेल है उस पर इंटरफेरॉन की लेयर डालेगा। उसको किसमें आता है हमारा, साइटोकाइन बैरियर, कौन सी इम्यूनिटी के अंदर, इनिनेट इम्यूनिटी के अंदर, लास्ट स्लाइड पे पढ़ा ना हमने, तो वो भी हमारा एंटीबॉडीज ही बनाता है। समझ आई आपको बात। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर और डेफिनेशन हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का समझ आया होगा। इसके अंदर हमारी दो इम्यूनिटी और आती है, एक तो होती है हमारी सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है सेशन के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं दो टाइप के रिस्पॉन्स के बारे में, एक तो आ जाएगा हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, दूसरा आ जाएगा हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। ये दोनों को मैंने डिस्टिंग्विश इसलिए यहाँ पे किए, ताकि आपको अगर एग्जाम में भी इसका डिफरेंस बिटवीन आए तो आप डायरेक्टली वहाँ पे इसको लग सकते हैं, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली इसी पॉइंट्स को वहाँ पे लिख सकते हैं, आपको मार्क्स जरूर मिलेगी उसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में, मेडिएटेड बाय द बी लिम्फोसाइट। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा कैसे बनता है, हमारा बी लिम्फोसाइट की वजह से बनता है, जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारा किसकी वजह से बनता है, टी लिम्फोसाइट की वजह से बनता है। दो लिम्फोसाइट यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है सर, इसने इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज को बनाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट डू नॉट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन नहीं करता एंटीबॉडीज का, देखा था हमें लास्ट स्लाइड के ऊपर कि टी लिम्फोसाइट सिर्फ हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को, ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। बी लिम्फोसाइट ही मेन बनाता है हमारा एंटीबॉडी। तीसरा पॉइंट, पैथोजन आर किल्ड बाय एंटीबॉडीज। यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेगी, बी लिम्फोसाइट बनाएगा ताकि वो किल कर सके हमारे जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, बैक्टीरिया वायरस नेमेटोड फंजाई एसेट्रा एसेट्रा। साइटोकाइनिंस सीक्रेटेड बाय द टी हेल्पर सेल, ये याद रखेगा टी हेल्पर सेल को, ये हमारे कैंसर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये रोल। एक्टिवेट फैगोसाइटिस सेल्स व्हिच फैगोसाइटोसिस द पैथोजन एंड किल देम। यहाँ पर क्या होता है, साइटोकाइनिंस सीक्रेट करते हैं हमारे टी हेल्पर सेल्स को, जो कि हमारे टी लिम्फोसाइट के अंदर आता है। ये सब याद कैसे करेंगे इसको, अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पूछा कि कौन सबसे मेन रोल प्ले करता है इसके अंदर, तो वो आ जाएगा हमारा टी हेल्पर सेल्स। ये सबसे ज्यादा हमारा रोल प्ले करता है, क्योंकि साइटोकाइन क्या करता है, सिक्रेट करता है टी हेल्पर सेल को, और वो होते हैं हमारे फेगोसाइटिस नेचर, तो वो अपना फेगोसाइटिस नेचर शो करते हैं, ताकि जो पैथोजन रहे उसको किल कर सके और हमारी बॉडी से फाइट करके उसको भगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, फेगोसाइटिस नेचर शो करेगा और किल करेगा हमारे जो भी हमारा पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा। ये होता है हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का टाइप, जो कि हमारा टी हेल्पर सेल इसमें हेल्प करता है। चौथा पॉइंट, क्विक रिस्पांस और डिले रिस्पांस। हमारा जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है वो हमारा क्या करता है, डिले रिस्पांस का होता है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा क्या होता है, क्विक रिस्पांस का। क्यों क्विक रिस्पांस का होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी डायरेक्टली पता होता है हमारा कैसे बनाना है, कौन सा पैथोजन आएगा तो कौन सी एंटीबॉडी देनी है उसको, ताकि वो किल कर दे उसको। सेल मेडिएटेड में क्या होता है, हमारा यहाँ पे डिले रिस्पांस होता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होता, टी हेल्पर सेल है ना यहाँ पे, तो क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टी लिम्फोसाइट है, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डिले रिस्पांस होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जो पैथोजन आएगा उसके खिलाफ कैसी एंटीबॉडीज बनानी, इसलिए यहाँ पे डिले रिस्पांस होता है और यहाँ पे क्विक रिस्पांस होता है। फिफ्थ पॉइंट, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस एंड बैक्टीरिया। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल्स के बाहर वाली जितनी भी हमारी लेयर्स रहती है उसके लिए वायरस और बैक्टीरिया से क्या करेगा, इसे प्रोटेक्ट करेगा हमारी बॉडी को, कौन, ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या करता है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस फंजाई अदर इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पैथोजन, इट एक्टिवेट ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। एक बात यहाँ पे खास आपको नोट करने की ये है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है।
समझ दीदी आप, क्या का कोई ऑर्गन हमारे बॉडी का खराब हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, या ब्रेन हो गया, या फिर हार्ट हो गया, अगर उसमें से कोई भी फंक्शन नहीं कर रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अगर हमें जिंदा रहना है तो, नहीं रहना तो आपकी अलग बात है, वो तो अलग बात रहेगी, पर अगर आपको जिंदा रहना है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन ढूंढेंगे, आपका डोनर ढूंढेंगे कि जो आपको डोनेट कर सके अपने ऑर्गन को। तो डोनर हम इस तरीके से ढूंढ रहे हैं जो आपका और उसका जो हमारा सेम रहेगा नेचर का, मतलब कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए या फिर कोई फैमिली मेंबर है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि डोनर अगर हम अगेंस्ट हमारे फैमिली मेंबर ढूंढते हैं बहुत मुश्किल से मिलता है। तो क्या करेंगे वहां पे हमारा जो ऑर्गन लगाएंगे ना, समझ लीजिए किसी आपके दोस्त का है, आपके हमारे एक समझ लीजिए किडनी प्रॉब्लम है, तो आपके दोस्त का हम किडनी आपके अंदर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर क्या होगा, यहाँ पे कोई रिजेक्शन ना दे, मतलब कि बॉडी कुछ अलग ऐसे रिस्पॉन्स ना करे, सेल जो मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे है वो इसमें हेल्प करे सबसे ज्यादा। कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर अगर हमारे जो ऑर्गन हमारे दोस्त का हमारे बॉडी में लगाया है तो हमारी बॉडी उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके अंदर ऐसा भी कभी कभी होता है कि ऑर्गन तो बराबर लग गया, बिल्कुल सेम ब्लड रिलेशन है, पर तो बॉडी क्या समझती है कि हमारे अंदर कोई बड़ा पैथोजन आ गया हमारी बॉडी के, जो ऑर्गन वहां पर ट्रांसप्लांट किया ना ब्लड रिलेशन वाला भी सेम सब कुछ है, बस नेचर थोड़ा सा चेंज है उसका, तो वो क्या समझती है बॉडी हमारे अंदर कोई पैथोजन आ गया, तो वो क्या करेगी टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगी साइटोकाइन से और वहां पे भेज देगी ऑर्गन के पास, और उसको जितना हो सके वहां से भगाने की और ऑर्गन के पूरा नेचर को खराब करने की कोशिश करेगी। तो ऐसा रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में ना हो सके इसके लिए हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का वहां पे इस्तेमाल करते, ताकि जो टी हेल्पर सेल रहेगा उसको हम इनएक्टिव कर देंगे, ताकि या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वहां पे वो सक्सेसफुली कंफर्मेशन हो सके और हमारा ऑर्गन जो हमने ट्रांसप्लांट किया है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, उस पर कोई भी आंच ना सके, हमारा ऑर्गन जैसा है वैसे ही फंक्शन वहां पे काम करे। तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा टी हेल्पर सेल यहाँ पे इनको मारने की कोशिश करेगा, पर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के कारण यहाँ पे क्या करेगा हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली माना जाता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वायरस फंजाई इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, और तो और हमारा जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट किया उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर कोई वायरल ग्रोथ, पैथोजन फंजाई का ग्रोथ वहां पे ना हो सके, इसलिए भी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का वहां पे काम होता है। आई होप कि आपको ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी समझ आया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और जानते हैं हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस बिटवीन होता है। अब हम प्रीकैप करते हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बिल्कुल डिफरेंस बिटवीन के रूप में, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी होता है हमारा नेचुरल इम्यूनिटी, क्योंकि हमारा क्या होता है नेचुरली हमारी बॉडी खुद ब खुद इसे बनाती है। कैसे बनाती है वो हम देख चुके हैं लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, हम अडॉप्ट करते हैं नेचर की हमारी इम्यूनिटी, कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नेचुरल हमारी बॉडी से कब बनता है, हमारी नेचुरल गिफ्ट होता है, मतलब नेचर खुद ब खुद गिफ्ट करता है कि ये सारे हमारे एंटीबॉडीज आपके अंदर मैं ऑटोमेटिकली भेज देता हूँ। पर इसके अलावा अगर कोई नया एंटीबॉडीज आपको बनाना होगा तो वो कैसे बनेगा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही बनेगा, ताकि मुझे तो पता नहीं आगे फ्यूचर में कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया आने वाले हैं, अगर तुम उनसे एनकाउंटर होते हो तो हमारे सेल्स क्या करेंगे, आप एडेप्टिव नेचर इम्यूनिटी शो करेंगे जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, और एंटीबॉडीज वहां पे परफॉर्म करेंगे जैसा हमारा वायरस का रूप होगा उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। उसके किसके बेसिस पे बनाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बेसिस पे। फर्स्ट वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे कि कौन सा हमारा वायरस आया, बैक्टीरिया आया, पैथोजन आया है, उससे क्या करेंगे एक तो बार फर्स्ट टाइम तो हार जाएंगे, अगर अच्छे से लड़ नहीं पाए तो हार जाएंगे। वैक्सीनेशन कराओगे आप लोग, आपके अंदर बनने चालू हो जाएगी एंटीबॉडीज की, सेकंड टाइम अगर बेटा तो वो वायरस आ तो हमारे बॉडी के अंदर तो कैसे भगाते हो हमको पता चल गया, अब तो सेकंड टाइम आपको टिकने नहीं देगा। तो ये क्या होता है, हमारे समय के साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी अडेप्ट होती है उस वायरस के खिलाफ, उस पैथोजन वायरस के खिलाफ, हमारे बैक्टीरिया हो गया, नेमेटोड हो गया। तो ये होती है हमारे अडेप्टिव नेचर की। नेचुरल इम्यूनिटी होती है हमारी इननेट इम्यूनिटी, मतलब की बॉडी को पता होता है कि ये टाइम की आपको ये वाले इम्यूनिटी की जरूरत है, ये वाले एंटीबॉडीज की जरूरत है, अभी तक तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मुझे पता ये सारे वायरस बैक्टीरिया आया है बेटा, अगर ये आए तो इनसे तो ऐसे लड़ सकता है। दूसरा, अगर एंटीबॉडी अगर अगेंस्ट रहेगा हमारे, मुझे पता नहीं कैसे बनाना है, तो वो हमारा बनेगा किससे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। आई होप कि आपको समझ आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्रेजेंट फ्रॉम द एट अ टाइम ऑफ बर्थ, ये हमारे बर्थ से पूरा बना हुआ होता है, मतलब लाइफ टाइम बनेगा हमारा बर्थ से लेके पूरा टिल डेथ तक के हमारे अंदर इनेट इम्यूनिटी पाया जाता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम में, मतलब हमारे बॉडी के चलते चलते अडॉप्ट होता है कि अगर कोई नया वायरस एनकाउंटर हो गया, कोई नया बैक्टीरिया पैथोजन एक्वायर्ड हो गया तो उसके खिलाफ वहां पे तुरंत अडॉप्ट करेगा अपने आप को, रिस्पॉन्स करेगा प्राइमरी सेकेंडरी और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तीसरा, नॉन स्पेसिफिक पैथोजन, ये हमारे सारे पैथोजन के खिलाफ होता है, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक हमारा फेवरेट है उसके लिए बनाऊंगा बाकी के लिए नहीं बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक पैथोजन हमारा होता है हमारा कौन, इनेट इम्यूनिटी, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है हमारा स्पेसिफिक एक इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। कोविड 19 के लिए तो कोविड 19 को मैं क्या कर एंटीबॉडी बनाऊंगा, राइनो वायरस के लिए नहीं बनाऊंगा, मेरे को नहीं पता वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं, तो वो ट्रीट करेगा हमारा इनेट इम्यूनिटी। बाकी जो एक्वायर्ड रहेगा एक स्पेसिफिक चीज के लिए वो हमारा क्या करेगा, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चौथा, कंसिस्ट ऑफ अ बैरियर, इसमें बहुत से टाइप के बैरियर आते हैं, हमने पढ़ा होगा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल
और आ जाएगा हमारा साइटोकाइन बैरियर, हमारा सेलुलर बैरियर, चार टाइप के बैरियर के अंदर पाया जाता है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी सेल्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अच्छा बेटे, तू फर्स्ट टाइम आया था 2019 में आया था, ठीक है, तब तो मुझे ऐसे लड़ नहीं पाया था, मेरा हथियार भी था, मुझे पता नहीं था लड़ना कैसे। डॉक्टर ने मेरे को बता दिया एंटीबॉडीज कैसे बनाते बेटे हमारी बॉडी के अंदर। अब बेटा 2020 में डबल से मेरे पास आती हूँ, मेरी बॉडी में घुसने से पहले तो मैं भगा दूंगा। तो ये होते हैं हमारी मेमोरी सेल्स जो कि आते हैं हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपको उसमें अभी भी डाउट है फिर से रिवाइंड करके देखिएगा लेक्चर को और फिर इस पॉइंट पे आइएगा। आई होप कि आपको समझ आएगा। वो आप सिर्फ यहाँ पे पेशेंस रखिए, बैठ कर सुनिए, मैं आपको पढ़ाने की जितना हो सके मेरे से 100% कोशिश करूंगा मैं, ताकि आपको हर एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई ना कोई समझ आएगा ना तरीका आपको मेरा, ठीक है। पांचवा आता है हमारा जनरेट अ रैपिड रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन। ये हमारा बिल्कुल रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि कॉमन कोल्ड का वायरस हमारे अंदर आया, समझ लीजिए हमारा एग्जांपल लेते हैं हम कॉमन कोल्ड का। कॉमन कोल्ड का कौन वायरस होता है, हमारा राइनो वायरस। जैसी बॉडी में आया बेटा निकल आया, तू मेरे को पता, देखो एंटीबॉडी कैसे बनानी है, फटाक से निकाल देगा उसको एंटीबॉडी लगा के। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, एकदम रैपिड रिस्पॉन्स, फटाक से एकदम बना देगा। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगा, जनरेट स्लो रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन। अच्छा बेटा COVID-19 आया है, मुझे थोड़ा देखो तो एंटीबॉडीज के खिलाफ है कि नहीं है करके बॉडी को बोलेगा, अपने इम्यून सिस्टम को। मेरे को तो पता नहीं भैया, बोलेगा इम्यून सिस्टम को कैसे हमें इसको भगाना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं, सेना लेके और लड़ने की कोशिश करते, जितना लड़ सके तो लड़ सकेंगे, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा हमको। सेना लड़ रही है, आपको बुखार चढ़ रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ हेडेक हो रहा है, मम्मी बोली बेटा चल तू हॉस्पिटल, देखो कुछ ना कुछ हो गया, डॉक्टर को दिखाती हूँ, देखो चल डॉक्टर के पास से आ गए, वैक्सीन वैक्सीन लगा ली, गोली वोली खा ली, हमारे बेटे क्या हो गया, ठीक हो गया, बस चंगा हो गया, वापस से बेटा 2 साल बाद फिर से बीमार, सेम एनकाउंटर पैथोजन के पास। पर इस बार जो बेटा 3 महीने तक एडमिट था हमारे हॉस्पिटल के, वो 3 दिन भी एडमिट नहीं रहेगा, घर में ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, यहाँ पे एंटीबॉडीज बन गई है, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज बन गई है। अब तो उसे पता चल गया ना वायरस को कैसे भगाना है, हमारे कौन से पैथोजन आएगा, तो इसलिए हमारे यहाँ तो स्लो रिस्पॉन्स के अंदर, और ये आता है हमारा फास्ट रिस्पॉन्स के अंदर, और ये वाला आता है हमारा फास्ट रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये स्लो रिस्पॉन्स इसलिए करेगा कि उसे पता नहीं रहता ना क्या हमारे पैथोजन आने वाले बॉडी के अंदर, उसके खिलाफ बनाते बनाते बहुत टाइम चले जाता है। ये हमारा क्विकली रिस्पॉन्स होता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे बैरियर्स में काम करते हैं, जबकि इसमें कोई बैरियर काम नहीं करता, सिर्फ हमारे मेमोरी सेल्स काम करते हैं। अगर मेमोरी में याद रहेगा कैसे बनाना है तो ये जीत जाएगा हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नहीं तो हमारा सबसे ऊपर आएगा हमारा इनेट इम्यूनिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारा एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी के बारे में। मैंने जितना हो सके आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर हम क्विकली फर्स्ट एक बार और रिवाइज करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी होता है, हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, स्पेसिफिक नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, और तो और जनरेट होता है बहुत ही रैपिड रिस्पॉन्स का, इसके अंदर बैरियर्स पाए जाते हैं, समझ आया पांचों पॉइंट आपको। दूसरा एडेप्टिव नेचर का होता है, मतलब नेचर के साथ साथ क्या करेगा, अडेप्ट करेगा, लाइफ टाइम में अडेप्ट करेगा अपने आप को, कोई भी नया एनकाउंटर करता है पैथोजन तो उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, मेमोरी सेल्स इनके अंदर होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स करेंगे, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेंगे, फिर किल करेंगे हमारे पैथोजन को। ये होता है हमारा स्लो प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेमोरी सेल। यहाँ पे क्या रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा, ये हमारे एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए क्या होता है, हमारा बनाता है एंटीबॉडीज को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ आया आपको दोनों पॉइंट, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन समझ आया होगा हमारा एक्वायर्ड एंड इनेट इम्यूनिटी के बारे में, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपने पहली बार इस तरीके से हमको पढ़ना है, दिख रहा है आपको इनिशिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, और आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। इसको पैराग्राफ को मैंने डिस्टिंग्विश करके आपको बताया, ताकि अगर इससे क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम के अंदर या पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन। अगर हमारा एंटीजन जो होता है, मतलब होस्ट से क्या करता है, फेस करता है, तो वो हमारे लिविंग फॉर्म में हो या हमारे डेड माइक्रोब्स के फॉर्म में या फिर कोई पैथोजन के फॉर्म में हो, तो उसके रिस्पॉन्स से हमारा एक्टिव इम्यूनिटी क्या करता है, काम करता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, व्हेन अ रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द होस्ट बॉडी। यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज क्या होती है, रेडीमेड होती है, मतलब कि किसी वायरस के खिलाफ हम एंटीबॉडीज के अंदर इंजेक्ट करते हैं किसी होस्ट के अंदर, तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एंटीबॉडी प्रीफॉर्म रहेगी, मतलब पहले से बनी हुई रहेगी, सिर्फ हमें इंजेक्ट करना होगा हमें किसी की पर्सन के अंदर, ताकि जो हमारे यहाँ पे एनकाउंटर हुआ कोई पैथोजन वो उससे लड़ सके। यहाँ पे प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज है जो कि पैसिव इम्यूनिटी में आती है, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे यहाँ पे लिविंग सेल्स खुद ब खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द पर्सन ओन इम्यून सिस्टम, मैंने बताया आपको यहाँ पे पर्सन की बॉडी खुद ब खुद इम्यून सिस्टम के जरिए हमारे क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाएगी।
होस्ट बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी। यहाँ पे होस्ट की बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती एंटीबॉडी, क्योंकि पहली बार एनकाउंटर हुई थी बिल्कुल हमारे लास्ट वाले तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरह, कि वो भी जब पहली बार एनकाउंटर होती थी क्या करती थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती थी। तो पैसिव इम्यूनिटी भी यही करेगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, इसीलिए तो इसे इंजेक्ट करना पड़ रहा है ना, रेडीमेड होस्ट के अंदर डालना पड़ रहा है हमें एंटीबॉडीज, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हमारा जो पैथोजन आया है उससे कैसे लड़ना है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडीमेड एंटीबॉडीज के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। तीसरा पॉइंट, जनरेट स्लो रिस्पॉन्स। यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स होता है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज का बनने में टाइम लगता है, जनरेट रैपिड रिस्पॉन्स, यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। चौथा पॉइंट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन ऑफ फ्लू, चिकन पॉक्स एंड पोलियो एक्सेट्रा। अगर हमें यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी के चौथे पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन की बात की गई, इम्यूनाइजेशन का मतलब इंजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन की बात होगी। तो बच्चों ने आपको याद होगा हमारी मम्मी हमें कहते हैं पोलियो का इंजेक्शन, यहाँ पे फ्लू चिकन पॉक्स का इंजेक्शन दिलाने के लिए लेके जाती थी कहीं पे, ठीक है, हॉस्पिटल के पास क्लिनिक के पास। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी उस टाइम यहाँ पे एंटीबॉडीज गेन करती थी कहाँ से, बाहर से इम्यूनाइजेशन की वजह से, ठीक है, इंजेक्ट कर जाता हमारी बॉडी के अंदर, मतलब वो प्री फॉर्म रहती थी हमारी बॉडी में डाला जाता था। तो ये आता है हमारे एग्जाम्पल हमारे एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ। और तो ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हमारे एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमारे प्रीफॉर्म अगर बॉडी के अंदर बनते हैं, अगर बॉडी खुद ब खुद बनाती है एंटीबॉडीज को, जैसे हमारा चिकन पॉक्स का ही हो गया, चिकन पॉक्स हमारी मम्मी को भी हुआ होगा, पापा को भी होगा बचपन के अंदर, पर दादा को भी हुआ होगा, पर दादी को भी हुआ होगा, तो वहां से क्या होता है, जीन एडिटेड होते आते हैं, मतलब वहां पे एंटीबॉडी अगर वो बनाए होंगे, उन्होंने वैक्सीन वहां पे इंजेक्शन लिया होगा, तो वो उनके हमारे जीन के अंदर भी होगा, वहां जीन क्या होगा, डीएनए के अंदर बनते हुए आता है। तो क्या होता है, जीन जो हमारा ट्रेड बाय ट्रेड जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होता है अगले हमारे वंश के अंदर, ठीक है, अगले जनरेशन के अंदर। तो उससे क्या होगा, चिकन पॉक्स का हमारी बॉडी में अंदर एंटीबॉडी तो हो गई, तो उससे क्या हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, चिकन पॉक्स का जो वायरस है बैक्टीरिया जो भी रहेगा उसे लड़ने में हेल्प करती है, बॉडी अपना 100% देती है कि मैं कहाँ हद तक किसको पहुंचा सकती हूँ, किसमें किल कर दूँ, अपनी पूरी कोशिश करती है। पर जब बॉडी हार मान जाती है तब वो बॉडी साइलेंट सिम्टम हमें देती है कि भैया अब मेरे से नहीं हुआ रहा, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। तो ये हमारा डेफिनेशन होता है हमारा फुल एक्टिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारा क्या एग्जांपल आएगा, हमारा स्नेक वेनम का आएगा, इम्यूनेशन अगेन द स्नेक वेनम हमारे पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। समझ लीजिए आपको सांप ने काट लिया है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, हड़बड़ा जाएगी आपकी बॉडी, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो सांप के नाम से पहले लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है, सांप ने काट गया बेटा तू मर गया, किंग कोबरा ने कहा तो पक्का ही जाएगा बेटा तू, डायरेक्ट ऊपर की टिकट तेरी कट गई, कुछ आखिरी विषय तो मांग ले, पर ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्टली डॉक्टर के पास हम जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल भागेंगे उसको लेके मम्मी पापा उसके, वहाँ पे हमारी क्या होगा कि रेडीमेड एंटीबॉडीज वहाँ बनी होगी, वहाँ पे नर्स क्या करेगी, इंजेक्ट कर देगी आपके जहाँ पे भी आपने सांप ने काटा है आपको। तो उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें आ जाएगा बॉडी में, और जहाँ पे स्नेक यहाँ पे काट किया था, बाइट किया था ना, वहाँ पे कुछ पट्टी वट्टी कर देगी और स्नेक का जहर ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा, कि पहले से इन्होंने बना रखी यहाँ पे एंटीबॉडीज, रेडीमेडेड रखी हुई उनके स्टॉक के अंदर, वहां से आपको इंजेक्ट करनी है। तो जो पहले से बना के रखी होती कोई अगेंस्ट हमारे कोई भी हमारे पैथोजन बैक्टीरियल वायरल नेमेटोड फंजाई, उसको हम कहते हैं ऐसी इम्यूनिटी जो बाहर से हमें दी जाती है या फिर किसी के जरिए बनती है। एक्टिव इम्यूनिटी खुद ब खुद हमें डेवलप करनी पड़ती है हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए, जितना अच्छा इम्यून सिस्टम रहेगा उतनी अच्छी हमें एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन अबंडेंट एंटीबॉडी IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की जब हम पढ़ रहे थे एंटीबॉडीज के टाइप, चार टाइप के होते हैं IgG, IgA, IgM और IgE। तो उसमें IgA जो था हमारा मेन रोल प्ले करता है हमारा अबंडेंट इसके अंदर हमारा मिल्क जो होता है हमारा मदर का, क्योंकि येलोइश मिल्क होता है थोड़े थोड़े हमारे दिनों में जब प्रेगनेंसी एंड होती है, लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, लैक्टेटिंग मदर की स्पीड जो कराती बेबी को, तो उसमें क्या होता है कोलेस्ट्रम वहाँ पे सिक्रीट होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में क्या होता है IgA प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, जो कि क्या करता है बेबी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है किसी बाहरी हमारे ऑर्गेनिज्म से या पैथोजन से। और तो और जब फीटस हमारे वुमन के वॉर्म के अंदर रहता है तब क्या करता है प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ना हमारे एंटीबॉडीज हमारे फीटस से रिसीव करता है हमारे मदर के प्लासेंटा से, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा से भी जाता है हमारा कौन सा एंटीबॉडी जाता है IgG जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में वही होता है 75%, क्योंकि क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा बैरियर को और हमारी बॉडी के अंदर जाता है फीटस के, और उसे इम्यून रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर वहाँ पे आता भी है तो उसके फीटस क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके उसके एंटीबॉडीज के फीटस के, ठीक है, तो उसे कोई इन्फेक्शन ना पहुंचा सके। आई होप कि आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी समझ आया होगा। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगले स्लाइड पे, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट सेशन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम।
इम्यून सिस्टम की मेमोरी सेल्स कितनी अच्छी है, कितना उसे पता है कि किस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना है। जब हमारा ये वाला बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एनकाउंटर करेगा, जब ये वाला वायरल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एनकाउंटर करेगा, तो इम्यून सिस्टम का कितना अच्छा मेमोरी पावर है, उसके बेसिस के ऊपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन यहाँ प्रॉपर्टी काम करती है। वैक्सीन इज अ प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन और एग्जैक्ट ऑफ डेड एटीन्यूटेड दैट इज अ वीक जर्म ऑफ अ डिजीज विच इज इंजेक्टेड इन टू द हेल्दी पर्सन प्रोवाइड टेम्पररी परमानेंट और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। जो वैक्सीन होती है हमारी वो काम कैसे करती है उसको हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैक्सीन रहेगी ना, कि समझ लीजिए आपको कोविड 19 का वैक्सीन लगवाना है, तो कोविड 19 का वैक्सीन लगवा क्यों रहे हम, ताकि हमें कोविड 19 ना हो सके। तो जो वैक्सीन बनता है ना, हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोविड 19 का छोटा सा, बहुत छोटा सा, क्या करते हैं आप एग्जैक्ट बिल्कुल उसी की तरह एटीन्यूटेड या डेड प्रिपरेशन करते, सस्पेंशन करते उसकी तरह से, उसे अधमरा बना के या फिर मरा हुआ जो कोविड 19 का वायरस है ना, बहुत छोटा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं डिजीज को। डिजीज को क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एक हेल्दी पर्सन के इंजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि वो देख सके हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा वायरस गया है, हमारा कोविड 19 का छोटा सा पार्टिकल गया है, तो हमारी बॉडी कैसे उसके तरफ अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडीज बनाती है। समझ आइए आपको बात, अगर बॉडी उससे एंटीबॉडीज बना लेती है, अगर हमारा कोविड 19 का वायरस हमारे यहाँ पे बॉडी के लिए हार जाता है, किल कर देती है उसको हमारी बॉडी, तो क्या करेगी, अगर हमारा बड़ा सा कोविड 19 का वायरस अगर हमारे सही बॉडी में घुस जाएगा, तो उस टाइम बॉडी क्या करेगी, इसे फाइट कर सकेगी। तो इसीलिए इंजेक्शन या फिर वैक्सीन जो भी इम्यूनाइजेशन करते हैं हम लोग, तो इसीलिए किया जाता है कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। और इन्फेक्शन होता भी तो कैसे, मैं आपको बता दिया, वैक्सीन लगती है हमें उस वायरस का या फिर उस बैक्टीरिया का या फिर वो पोलियो का, हमारे जो वायरस लगता है, इंजेक्शन लगता है पोलियो का भी, तो ये सारी चीज़ें का बहुत छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है डिजीज का, एटीन्यूटेड होगा या फिर डेड होगा, क्योंकि वायरस जो रहता है हमारी बॉडी में एक्टिव हो जाता है आपके साथ, ठीक है, वो अधमरा भी जा रहे हैं तो मेरी बॉडी में आके जिंदा हो जाएगा वो, ऐसे रहता है हमारे बैक्टीरिया वायरस। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जैसे ही एक्टिवेट होंगे ना, हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल रहते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, ये सारे सेलुलर एक्टिविटी जो रहती है, सेलुलर बैरियर के मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो वो सारे सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सारे सारे पीछे पड़ जाएंगे उस मारने के लिए, हमारे किलिंग करने के लिए, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा। अगर वो किल कर दे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उस टाइम पे, अगर वो सब किल कर देंगे तो हमारी एंटीबॉडीज बन जाएगी उस टाइम पे, और जो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहेगी ना, और जो उस टाइम एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, वो पूरा लाइफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगी। क्योंकि अगर डबल से एनकाउंटर होगा कोविड 19 हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी उससे प्रेजेंट रहेगी, और कोविड 19 हमारे बॉडी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। कोविड 19 हो गया या फिर कोई और वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो ये सारी क्या होगी, हमारी पहले से अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं या फिर पहले से एंटीबॉडीज बना लेते हैं बॉडी के अंदर, तो वो वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। एंटीबॉडीज फॉर्म आफ्टर द वैक्सीनेशन कीप सर्कुलेट थ्रू आउट द लाइफ, मैंने बताया आपको, वैक्सीनेशन कराने के बाद हमारे क्या होता है, वैक्सीनेशन कराने के बाद यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाएगी बॉडी के अंदर, तो वो एंटीबॉडी कीप सर्कुलेट थ्रू आउट द लाइफ, हमारे लाइफ टाइम हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। कि अगर कहीं से वो पैथोजन हमारा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब हो गया, किसी का भी हमारा नेमेटोड, फंजाई, किसी का भी कुछ हो गया, तो अगर बॉडी में फिर से एनकाउंटर करता है, तो बॉडी में जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं हमारे, वो सब किल करने में मदद करेंगे। तो इसी तरीके से वैक्सीनेशन के जरिए हमें टेम्पररी, परमानेंट, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। ये चारों मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारा इम्यूनाइजेशन का, क्या लेंगे हम, इन केस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम, वही स्नेक वेनम का एग्जांपल लेते हैं हम, सांप ने हमें काट लिया, अगर किंग कोबरा ने काट लिया हमें, चले ठीक है, स्नेक किंग कोबरा ने काट लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं यार, ये भी बार बार आ रहा है, वाइपर स्नेक ने चलो काट लिया हमें, ठीक है, तो वाइपर का स्नेक ले लेते हैं हम एग्जांपल, हमें काट लिया पैरों पर, तो क्या करेंगे हम, डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी सिस्टम बनेगी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लड़ना कैसे, स्लो रिस्पॉन्स होगा, तब तक हम टपक जाएंगे। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, डायरेक्टली हॉस्पिटल को भागते हैं, वहां पर हमारे प्री फॉर्म एंटीबॉडीज बने होते हैं। तो वही एग्जांपल हमारा पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, तो वही आएगा इसके अंदर भी, पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर, की हम क्या लेंगे, यहाँ पे पैसिवली कोई यहाँ पे एंटीबॉडीज लेंगे, जो कि पैसिवली हमारे इंजेक्शन की वजह से, इंजेक्शन मतलब क्या होगा, इंजेक्शन मतलब वैक्सीनेशन मतलब इम्यूनाइजेशन, तो इंजेक्ट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर पैसिवली, मतलब बाहरी तरीके से। तो बाहरी तरीके से क्या इंजेक्ट करेंगे, प्री फॉर्म एंटीबॉडी, जो कि हमारे वाइपर स्नेक के खिलाफ है, तो वो क्या करेगी, उसके जहर का कम कर देगी लेवल को, मतलब पूरा खत्म करने की कोशिश करेगी पूरे बॉडी से, हमारी बॉडी जो है वो ठीक हो जाएगी, घाव भरने लगेगा और जहर पूरा हमारे बॉडी से निकल जाएगा और हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे। बॉडी का टेम्परेचर अब थोड़ा बढ़ गया था ना, साफ साफ करके वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। आई होप कि आपको वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन समझ आया होगा टॉपिक। अगर आपको सेशन में अभी तक यहाँ पे मजा आ रहा है, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आप पेशेंस से यहाँ पे बैठे हुए लेक्चर देख रहे हैं, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा एलर्जीज, कि एलर्जीज कैसी होती है, कौन कौन से हमारे एंटीबॉडीज यहाँ पे रिलीज होते हैं, उसको हम देखते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एलर्जीज के बारे में, कि क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं।
द एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। अगर हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई एंटीजन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी के खिलाफ क्या बनाता है, हमारे यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर पैदा करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम से छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, सांस लेने में दिक्कत जाएगी, रनिंग नोज होगा, हेडेक हो जाएगा, स्नीजिंग चालू हो जाएगी, तो ये सारे हमें सिम्टम्स दिए हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर कुछ यहाँ पे क्या घुस गया, एलर्जिक रिएक्शन का ना एलर्जेंस का एंटर हो गया है। तो एंटर हो गया किसका, एलर्जेंस का, एक एंटीजेंस होते हैं एलर्जेंस नाम की, इसके कारण क्या होती है, हमें एलर्जी होती है। एलर्जी क्या होता है, से हमें कोई जगह पे समझ लीजिए एग्जाम्पल आप कोई जगह पे गए, अचानक से आपको रनिंग नोज चालू हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो कौन से होते हैं, हमारे एलर्जेंस होते हैं जो कि हमारे एंटीजन होते हैं हमारी बॉडी के खिलाफ जो कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे सिम्टम हमें बॉडी देती है कि आपको इस चीज से एलर्जी है, और ये कौन दे रहा है, बता रहा है हमारा एलर्जेंस बता रहा है कि आपको चीज से एलर्जी है। एग्जाम्पल अगर कोई किसी को फ्लावर से एलर्जी रहती है, किसी को फूल से एलर्जी रहती है, या फिर डस्ट माइट स्पोर्स फैब्रिक्स किसी चीज से, किसी भी इंसान क्या रहती है एलर्जी रहती है, बहुत सारी चीजें होती है। से अधिकतर एग्जाम्पल देते हैं हम किसी को धुएं से, या फिर कोई मिस्ट हो गया, या फिर कोई डस्ट हो गया। से अधिकतर एग्जाम्पल यही होते हैं कि अधिकतर लोगों को ना कहते हैं यहाँ पे मिस्ट रहता है, डस्ट, पॉलन स्पोर्स, इससे अधिकतर एलर्जी रहती है। अगर उसके पास चले तो अचानक छींकना चालू कर देंगे बहुत देर तक की, या फिर रनिंग नोज बहती रहेगी आंखें, या फिर ब्रीथिंग लेने में मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो ये सारे हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे एंटीजन के, जो कि होते हैं हमारे एलर्जेंस, जो कि एलर्जिक रिएक्शन पैदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिस्पॉन्स करता है एलर्जीज के रूप में, और यही होता है हमारा एलर्जी का मतलब। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, स्नीजिंग, वॉटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। वॉटरी आईज होने लगेगा, छींकने लगेंगे, स्नीजिंग हो जाएगी आपको, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉज कि अगर बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, एलर्जी हमारी बॉडी किस चीज की हो गई है, तो कैसे हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। इन्वॉल्व मेनली इन द आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी क्या करता है, इसमें मेन रोल प्ले करता है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास सेल केमिकल आर रिलीज। मास सेल से हमारा केमिकल निकलता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। ये बातों को आप नोट कर लीजिएगा, कभी लिख लीजिएगा हाईलाइट करके, कि हिस्टामिन सेरोटोनिन हमारा रिलीज होता है केमिकल हमारा मास सेल से कब, जब हमारी एलर्जिक रिएक्शन हो रही हो हमारी बॉडी के अंदर, और कौन सा एंटीबॉडी इसको रिलीज कराता है, एंटीजन आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडी इसको रिलीज कराता है। ये बातों को आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, इस साल भी आ सकता है आपको। टाइप ऑफ एलर्जी डिजीज, कौन कौन से हमारे एलर्जी डिजीज होते हैं, एक तो आ जाएगा हमारा अस्थमा, दूसरा आ जाएगा हमारा हे फीवर, तीसरा आ जाएगा हमारा एनाफिलेक्सिस, ठीक है। यूज ऑफ ड्रग, कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें एलर्जी होगी तो, एंटी हिस्टामिन इस्तेमाल करेंगे हम हिस्टामिन की तरफ, एड्रेनालिन इस्तेमाल करेंगे, स्टेरॉइड कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा मेजर केस में एलर्जी है तो। तो ये सारे तीनों क्या काम करते हैं, क्विक रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। सिम्टम्स रहेंगे एलर्जी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करते जाएंगे और धीरे आखिर में क्या करेंगे, जाके एलर्जी को रोक देंगे। तो ये होता है हमारा एलर्जी टॉपिक कंप्लीट। एक बार फिर से प्रिकैप करते हैं पूरा का पूरा। अगर हम कोई नई जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, वहां पे अगर हमें डस्ट मिलता है, या फिर पॉलन मिलता है, स्पोर्स फैब्रिक, कोई फ्लावर हो गया, कोई लीफ हो गया, कोई भी चीज हो गया, उसके अंदर क्या होता है, हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स करने वाले हमारे एलर्जेंस पाए जाते हैं। अगर वो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर घुस गए तो हमें क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, कि हमारे एंटीजन तो वहां बने नहीं है, एंटीजन वहां बने हैं पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि बॉडी क्या हो रही, फर्स्ट टाइम इन सारी चीजों से एनकाउंटर हो रही है। तो वहां पे क्या होगा, हमारा नई एंटीबॉडी रिलीज होगी, कौन कौन सी, आईजीई एंटीबॉडी रिलीज होगी। और तो और मास सेल यहाँ पे रिलीज करेगा दो केमिकल्स को, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा क्विकली हमारे रिड्यूस होगा सिम्टम्स हमारे एलर्जी के, जो कि हम ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे, एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड। कौन कौन से डिजीज होती है, हमारी अस्थमा होती है, हाई फीवर होता है और एनाफिलेक्सिस होती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, और हमारे रनिंग नोज, वॉटरी आई, स्नीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। आई होप कि आपको एलर्जी टॉपिक समझ आया होगा। चलते हैं हमारे इसका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि होता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। बात करते हैं हमारे ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, क्या होता है ये, कंडीशन इन विच द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड सेल और एंटीबॉडी अगेंस्ट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। इस हमारी बीमारी के अंदर क्या होता है, इस वाले ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है हमारी, कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो खुद ही के सेल को एक तरह का पैथोजन समझने लगता है, जेनेटिक डिसऑर्डर ये होता है, या फिर कोई अननोन रीजन के कारण हमारे बॉडी के खुद के सेल्स अपने आप को क्या समझने लगते हैं, पैथोजन समझने लगते हैं, और दूसरे जो सेल रहते हैं ना एक्टिव सेल, वो उस बॉडी को पैथोजन समझ के सेल को उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी डिजीज, यहाँ पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है ढंग तरीके से काम नहीं करता, तो उसके कारण जो यहाँ पे फंक्शन भी हो रही है, या फिर डैमेज हो जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारी बॉडी का, इम्यून सिस्टम का, तो उसके कारण हमें ऑटो इम्यूनिटी की डिजीज हो जाती है। दूसरी अगर भाषा में इसको कहूँ तो मैं, ड्यू टू द जेनेटिक और अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल, दिस रिजल्ट इन द डैमेज
टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। जो ऊपर लिखी हुई थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, नीचे वाली हमारी नॉर्मल डेफिनेशन है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ऑटो इम्यूनिटी हमारे नेक्स्ट लेवल में क्या कही गई है कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण या फिर कोई अननोन रीजन के कारण अगर हमारी बॉडी एक सेल्फ सेल जो है वो खुद ही के सेल को मारने लगे, किल करने लग गए, तो उस बीमारी को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसके अंदर आती है हमारी फर्स्ट रिमोटाइड अर्थराइटिस, सेकंड आती है हमारी विटिलिगो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक के सेशन के अगले स्लाइड के ऊपर, जो कि होगा हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब हम बात करते हैं सेशन के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसा होता है। अभी तक हमने पढ़ लिया सारी इम्यूनिटी के बारे में, पैसिव, एक्टिव, इनिशिएट, एक्वायर्ड, सबके बारे में पढ़ लिया, वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ लिया, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लिया, पर अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है, कैसे काम करता है। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यू सेल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के साथ साथ और भी कुछ चीजें कंसिस्ट की जाती है। एक तो आएगा हमारा लिम्फोइड ऑर्गन, दूसरा आएगा टिश्यू सेल, सोल्यूबल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी, और सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं वो भी हमारे आते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, जो कि हमने पढ़ लिया है कितना मेन रोल होता है हमारे एंटीबॉडी का। तो जो लिम्फोइड ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन वेयर द मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस। लिम्फोइड ऑर्गन आर टू टाइप, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मतलब कि जहां पे हमारे ऑर्गन के अंदर हमारे लिम्फोसाइट जो रहते हैं ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, वो मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, प्रोलिफिकेशन वहीं पे होता है, सब कुछ होता है, तो उस ऑर्गन को कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन बिल्कुल हमारे पूरे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाया जाता है। हमारी बॉडी के हर एक जगह पे क्या होता है, हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसके अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड भरा होता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारा एलिफेंटिस के बारे में, जो कि प्लेराइसिस नाम की बीमारी थी, उसके अंदर हमारे लिम्फेटिक वेसल के अंदर ही क्या होता है, हमारा पैथोजन रहता है वहाँ पर रह जाता है, क्योंकि हमारे लिम्फेटिक वेसल जो रहती है हमारे लेग्स की, थाई की, वहाँ बहुत धीरे धीरे फ्लूड क्या होता है, फ्लो किया जाता है, तो वहाँ पे जब क्या होता है पैथोजन वहाँ पे डिसीज पोस जाता है हमारे कौन सी एलिफेंथियासिस की, और कुछ सालों बाद हमारा जो लेग है वो बिल्कुल हाथी पाव जैसे दिखने लगता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एलिफेंथियासिस। फ्लेरासिस क्या क्या रहता है, हमारा प्रोटोजन कौन सा छोटा सा रहता है हमारा बिल्कुल भी, वो डिजीज पहुंचाता है हमारे लेग के पास, क्योंकि वहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स की जो फ्लो रहता है लिम्फेटिक फ्लो का बहुत धीरे होता है, इसीलिए हमारा जो लेग में पहुंचा रहा है डिजीज और कहीं नहीं पहुंचाता। लेग के साथ साथ हमारे जेनिटल ऑर्गन्स मेल या फीमेल दोनों में भी इफेक्ट करता है एलिफेंथियासिस। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है हमारा लास्ट वाला, तो मैं लेक्चर का लिंक और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर हमारे दो रूप आते हैं, फर्स्ट आ जाएगा हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड आ जाएगा हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आर दोस ऑर्गन वेयर द टी लिम्फोसाइड एंड बी लिम्फोसाइड आर फॉर्म प्रोलिफेरेट मैच्योर और एक्वायर्ड एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिसेप्टर। हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, जहाँ पे हमारा बी लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड हमारे क्या हो, यहाँ पे फॉर्म की जाए, प्रोलिफेरेट किए जाए, मैच्योर हो, जिसके कारण एक्वायर्ड कर सके वो एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन, जिसके कारण क्या करेगा हमारा एंटीजन रेजिस्ट करेगा कौन सा इन्फेक्शन है, वो जाएगा हमारे एंटीबॉडी के पास, कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो कि हमने देखा था एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, और वहां से फिर क्या करेगा, किल करेगा, भगाएगा हमारे जो भी रहेगा वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी से। तो उस रिसेप्टर को डेवलप करने के लिए, उस कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने के लिए प्रोलिफिकेशन, मैच्योरेशन और फॉर्मेशन हमारा होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बी और टी लिम्फोसाइट का, हमारे कहां पर, थायमस और बोन मैरो के अंदर, हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में से एक ये होता है हमारा बोन मैरो, दूसरा आ जाएगा हमारा थायमस। थायमस जो होता है हमारा थॉर्न्स ऑफ इम्यूनिटी के जाना जाता है, मतलब इसी का हमारा क्या होती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ये डिक्लाइन है, ये डिसाइड करता है हमारा कौन, थायमस। थायमस जो होता है हमारे बिल्कुल चेस्ट रीजन के ऊपर पाया जाता है, बिल्कुल हमारे जो हमारा हार्ट होता है उसको थोड़ा सा ऊपर साइड में क्या होता है, हमारा थायमस प्रेजेंट होता है। बर्थ के टाइम पर इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, पर जैसे जैसे हमारा लाइफ टाइम धीरे धीरे बढ़ते जाता है, मतलब कि एज होती जाती है हमारी, धीरे 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 हमारी इम्यूनिटी जो होती है डिक्लाइन हो जाती है। इसके बारे में हम और अच्छे पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, लास्ट वाला ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो वहाँ पे ना चैप्टर के अंदर थायमस हमारा क्या है, अलग से टॉपिक बना हुआ है। तो थायमस ऑर्गन के बारे में हम देखेंगे, वहाँ पे क्या फंक्शन होता है, कौन से हॉर्मोन्स वहाँ पे रोल प्ले करते, थायमस थॉर्न ऑफ इम्यूनिटी क्यों कहते हैं, तो ये सब के बारे में जानेंगे वहाँ पर। और तो और यहाँ पे हम बोन मैरो के बारे में जानेंगे कि बोन मैरो यहाँ पे मेन फंक्शन करता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, जिसके अंदर हमारे बी और टी लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं। आपको अभी से इतना याद रखना है कि थायमस और बोन मैरो के अंदर हमारा प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन बनता है, जिसके अंदर बी और टी लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, मैच्योर होके एक्वायर्ड करते हैं हमारे एंटीजन एंटीबॉडी रिसेप्टर प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन। सेकेंडरी आता है हमारा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आफ्टर मैच्योरेशन, मतलब बी और टी लिम्फोसाइट यहां से मैच्योर हो गए, क्लियर। सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में क्या करेंगे फिर आके, वो बी एंड टी लिम्फोसाइट माइग्रेट वाया ब्लड एंड लिम्फोसाइटिक फिसल टू द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वेयर द अंडरगो प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन।
वो वहां से क्या करेंगे, और प्रोलिफरेट होने के लिए, और आगे हमारे नंबर बढ़ाने के लिए, और हमारा बड़ा रूप मैच्योर होने के लिए, पूरा फुल्ली मैच्योर होने के लिए, ताकि वो काम कर सके हमारे किसके लिए, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून सिस्टम के अंदर काम कर सके हमारे कौन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर चले जाते हैं हमारे बी और टी लिम्फोसाइट। तो कहां होते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को देखते हैं, फर्स्ट है हमारा स्प्लेन, जो कि हमारा लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है हमारे एरिथ्रोसाइट्स के लिए। मतलब कि आपको सुना भी होगा, मैंने ब्लडी फ्लूइड सर्कुलेशन में पढ़ा है आपको कि एरिथ्रोसाइट का अगर हम पूछे कि हमारा क्या होते हैं ग्रेवियर्स ऑफ आरबीसी कौन से होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं हम, तो वो आता है हमारा स्प्लेन, क्योंकि स्प्लेन के अंदर बहुत छोटी छोटी हमारी माइन्यूट हमारी क्या होती है फाइन कैपिलरीज होती है, जो कि हमारे जाके हमारे ब्लड पहुंचाती है वहां तक की। आरबीसी कैसी रहती है, हमारी बाय कॉन्केव शेप रहती है, ड्यूमास मेम्ब्रेन के कारण क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है 100 से 120 डेज के बाद क्या होती है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो वहां पे स्प्लेन में जाती है वहीं पे फंस जाती है कोई भी हमारे आर्टरी या वेन के अंदर, हमारी कैपिलरी के अंदर, वहीं पे क्या होती है दम तोड़ देती है 120 डेज के बाद। तो इसीलिए हमारा स्प्लेन को हम कहते हैं लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। तो डॉक्टर्स कभी कभी हमारे ब्लड की जरूरत होगी हमारे बॉडी के अंदर, तो स्प्लेन को क्या करते हैं दबा के देखते ताकि वहां से कुछ एरिथ्रोसाइट निकल जाए हमारी बॉडी के अंदर वापस से रिफॉर्म हो जाए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लिम्फ नोड, तीसरा आ जाएगा हमारा टॉन्सिल्स, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगले स्लाइड के ऊपर जाने से पहले, अगले टॉपिक में मूव करने से पहले, हम जो स्लाइड के ऊपर पढ़े हैं उसको पूरा प्रीकैप कर लेते हैं हम। ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारे, इसके अंदर हमारे लिम्फोइड ऑर्गन सेल और टिश्यू के साथ साथ सॉल्युबल एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होता है, वो आता है हमारा लिम्फोइड ऑर्गन के जरिए। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारे क्या करेंगे मैच्योरेशन और जहां पे हमारा प्रोलिफिकेशन होता है हमारे लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं हमारे, बी और टी लिम्फोसाइट हमारे मेन इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स करते हैं, शुरू से हम वही पढ़ते आ रहे लेक्चर के अंदर। तो हमारा जो ऑर्गन होता है ना लिम्फोइड ऑर्गन, वो हमारे दो टाइप का होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, जहां पे हमारा प्रोलिफिकेशन मैच्यूरेशन और हमारा ग्रोथ होगा किसका, हमारे लिम्फोसाइट का, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो या टी लिम्फोसाइट हो। हमारा टी और बी लिम्फोसाइट वहां पे तब तक रहेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, एक्वायर ना कर ले एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक रिसेप्टर मैकेनिज्म, ताकि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या फिर कोई पैथोजन आए तो उससे वो लड़ सके, रिस्पॉन्स कर सके उसके खिलाफ। तो वो हमारा कहाँ मैच्योर होता है, प्रोलिफिकेशन होता है बोन मैरो और थाइमस के अंदर। थॉर्न्स ऑफ इम्यूनिटी हमारे थाइमस को कहते हैं, मेन हमारा ग्रैंड होता है हमारे इसके लिए इम्यून सिस्टम के लिए। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होगा, जहां पे अभी मैच्योरेशन हो गया हमारा बी और टी में लिम्फोसाइट, वो माइग्रेट हो जाएंगे अलग हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ, किससे, लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए और हमारा ब्लड फ्लो के जरिए। और वो कहां से लेता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की तरफ, जहां पे वो डिफरेंशिएट होता है और हमारा प्रोलिफिकेशन वहां पे होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारे कौन कौन से होते हैं, स्प्लेन, लिम्फोइड नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्प्लेन होता है हमारे रिजर्वायर ऑफ द एरिथ्रोसाइट, जो कि अंदर हमारा क्या होता है ग्रेवियर्स ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, इसको आरबीसी का ग्रेवियर्ड भी कहते हैं, क्योंकि 120 टू 110 के बाद हमारे क्या आरबीसी यहाँ पे दम तोड़ देती है, इसीलिए हम इसे ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अगर इसका फुल लेक्चर आपको चाहिए हमारा ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहते हैं, उसका लेक्चर का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वो चैप्टर का नाम है, अब वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा हमारा इम्यून सिस्टम तो बॉडी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अगले स्लाइड पर। ये हमारा लास्ट टॉपिक का पॉइंट है हमारा इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी का। There are lymphoid tissue also located within the lining of major tract, digestive tract, respiratory tract or urogenital tract system called mucoso-associated lymphoid tissue (MALT). ये हमारा main question आया है हमारे NEET के अंदर भी और हमारे one word के अंदर भी board के exams में। It consists about the 50% of the lymphoid tissue in the human body. Human body के अंदर जितना भी हमारा पूरा lymphatic system बना हुआ है, lymphatic tissues है, उसके अंदर हमारा 50% हमारा क्या होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का हमारा क्या होता है पार्ट होता है MALT, जिसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और यूरोजेनाइटल ट्रैक सिस्टम क्या होता है काम करता है, जो कि पूरा का पूरा म्यूकस से कोट किया जाता है, ताकि हमारा कोई भी वहां पे क्या ऑर्गेनिज्म आए तो उसको ट्रैक कर ले, वहीं पे क्या करे मार दे। तो वो हमारा 50% होता है हमारा लिम्फोइड टिश्यू का हमारे ह्यूमन बॉडी का, कौन हमारा MALT, MALT, इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं MALT से, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकस प्रोवाइड करता है, ट्रैप करता है पैथोजन को, किल करने की मदद करता है। 50% हमारे लिम्फोइड टिश्यू का हमारा पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का, कौन हमारा MALT, MALT, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आई होप कि आपको इस समझ आया होगा टॉपिक, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, उसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी देके जाएंगे। अब आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड एज अ इंटरफेरॉन which protect non-infected cells from viral infection. They are a part of, बताना है आपको, first is physical barrier, second is physiological barrier, third is cytokinin barrier and fourth is cellular barrier. Second question, which cells provide maximum immune system in our body? कौन से cell provide कर सबसे ज़्यादा maximum हमारे immune system हमारे body के अंदर? First is T helper cell, second is natural killer cells, third is B lymphocyte and fourth is T cytotoxic. थर्ड इज
विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज मीडिएटर इन एलर्जिक रिस्पॉन्स. फर्स्ट ऑप्शन इज IgE एंटीबॉडी, सेकेंड इज IgA एंटीबॉडी, थर्ड इज IgG एंटीबॉडी एंड फोर्थ इज IgM एंटीबॉडी. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट. फर्स्ट इज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंड इज ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, थर्ड इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड फोर्थ इज इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी. एग्जाम्पल बताना कौन सा है. फर्स्ट इज टीयर्स, सेकेंड इज स्किन, थर्ड इज एपिथीलियम ऑफ द यूरोजेनाइटल ट्रैक एंड फोर्थ इज मोनोसाइट्स. ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देखे जाएंगे. हर लेक्चर की तरह इस क्वेश्चन के आंसर में आपको अगले लेक्चर के जो होगा हमारा थर्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज उसके आखिर में आपको रिवील कर दूंगा. इसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर था हमारा फर्स्ट वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसके आंसर मैं आपको अगले स्लाइड पर रिवील कर देता हूँ. चेक करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके उसमें से कितने क्वेश्चन अभी सही हुए हैं. ये सारे हमारे लास्ट क्विज के आंसर आप चेकआउट कर लीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. फर्स्ट का आंसर था हमारा MABSS, सेकंड का था ऑल ऑफ दिस, थर्ड का था निमोनिया, फोर्थ का था हमारा मैन, फाइव का था इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, सिक्स का था गट ऑफ फीमेल एनोफिलेस एंड सेवन का था टाइफाइड फीवर. अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी टॉपिक पे कहीं भी कोई लाइन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे एड्स कैंसर के बारे में कि कैसे हमारा एड्स फैलता है, कैसे इरेडिकेट हुआ, कैसे हमारा कैंसर जो है हमारे बॉडी में फैलता है और हमारा बेनाइन कैंसर है तो वो फॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कौन सेल इसमें हेल्प करेंगे, उसमें हमारा कौन सा इम्यून सिस्टम का कौन सा एंटीबॉडी जो है वो सेल उसमें काम करता है. और तो और उसके साथ हम पढ़ेंगे एड्स नाम की जो भयानक बीमारी है, इसके कारण हमारे पूरी नाम लेने से भी लोग डरते हैं. एड्स का HIV वायरस बीमारी फैलाता है, ये कहाँ से हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुई, कब हमारे फर्स्ट इसका केस मिला था, कैसे हमारे बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम तहस नहस कर देता है हमारा पूरा HIV वायरस एड्स जो कि बीमारी के अंदर आता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर जो कि थर्ड लेक्चर होगा हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और तो और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी पता चले कि इम्यूनिटी टॉपिक जितना वो सोचते हैं पहाड़ जितना उतना बड़ा है नहीं. मैं आपको हर तरीके से 100% अपना देकर इसे इजिली में पढ़ाने की कोशिश की है. मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी.